वेलकम टू नैन्सी नॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पेपल बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। पेपल बिजनेस अकाउंट के थ्रू हम किसी भी कंट्री से करेंसी रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, और सेम टाइम वो मनी हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पेपल पे अकाउंट आप वेबसाइट के थ्रू भी बना सकते हैं या ऐप के थ्रू भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे पेपल बिजनेस। इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस अकाउंट पेपल इंडिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम पेपल बिजनेस अकाउंट के ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं। अब हमें साइन अप नाउ करना है। यहाँ हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। हमें बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है क्योंकि इसके थ्रू ही हम मनी जो है रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेपॉल को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट, तो मैंने सेलेक्ट किया है वाया ईमेल, इनवॉइसिंग और लिंक। सेकेंड ऑप्शन है माई मंथली सेल वॉल्यूम इज, तो मैंने सेलेक्ट किया है लेस देन 5 लाख अ मंथ। एंड थर्ड ऑप्शन है पेमेंट प्रेफरेंस, तो मैंने सेलेक्ट किया है इंडियन रुपीज एंड फॉरेन करेंसी। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये ईमेल आईडी ही हमारा पेपल अकाउंट नंबर होता है, सो मेक श्योर आप जो भी ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो आपका अपना पर्सनल होगा। अब हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक पासवर्ड रजिस्टर करना है, फिर हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो बिजनेस टाइप में मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रही हूँ। प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड में मैंने सेलेक्ट किया है अदर टाइप, उसमें हमें मिसलेनियस पर्सनल सर्विसेज सेलेक्ट करना है। पर्पस कोड में मैंने सेलेक्ट किया है अदर इंफॉर्मेशन सर्विस। और पर्सनल पैन में हमारा अपना पर्सनल पैन नंबर डालना है। फ्रेंड्स, मेक श्योर आपने जो भी पैन नंबर डाला है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। और पेपल सीसी स्टेटमेंट में हमें अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। एंड बिजनेस यूआरएल ऑप्शनल है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, तो हम सब कुछ एंटर कर लेंगे। देन प्राइमरी करेंसी में हम इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम पेपल अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, सो हम लेट्स कंफर्म योर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने जीमेल पे जाएंगे और पेपल अकाउंट एक्टिवेशन मेल पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हमें एक पासवर्ड जनरेट करना है जो हमने पेपल में रजिस्टर किया है, फिर हम कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लिंक अप बैंक अकाउंट पे जाएंगे और जिस भी बैंक में हमारा अब उसका आईएफएससी कोड एंटर कर लेंगे। तो मैंने आईएफएससी कोड सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं पहले आईएफएससी कोड डाल रही हूँ, इसके बाद हम अकाउंट नंबर डालेंगे।
नेक्स्ट में हम बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और लिंक योर बैंक पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पेपाल से हमें 2 स्मॉल डिपॉजिट्स आएंगे हमारे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में। बैंक रिक्वेस्ट डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा पेपाल अकाउंट बनके रेडी है। अब हम कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी पेपाल बिजनेस अकाउंट ऐप के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताऊंगी पेपाल बिजनेस ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और सर्च में टाइप करा है पेपाल बिजनेस। आप देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया है। सो ऑलरेडी ये ऐप मेरे पास इंस्टॉल है, तो हम इसे अपडेट कर लेंगे और सेम प्रोसेस से ऐप में भी अकाउंट हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।